कि वीके सक्सेना के पत्र पर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है और कहा कि एलजी के वजीराबाद प्लांट में दौरे से पहले हमने ये खुलासा किया था कि किस तरह यमुना पहुंचने वाले पानी को रोक लिया गया है और हरियाणा में यमुना नदी के ऊपर छोटे छोटे बांध बना लिए गए हैं और रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बात की पुष्टि सैटेलाइट और गूगल मैप और तस्वीरों से हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नजर आने वाला पानी यमुना नदी का पानी नहीं बल्कि सोनीपत और पानीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, क्योंकि पानी में एक तरह का रसायन है जिसके इस्तेमाल से प्लांट की मशीनें भी खराब होना शुरू हो जाती है। सौरभ भारद्वाज ने एलजी को हरियाणा में उस जगह ले जाने के लिए न्योता दिया है जहां पर रेत माफिया सक्रिय है और यमुना नदी के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाकर अवैध खनन किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने एलजी से अपील की है और कहा कि एलजी सकारात्मक सोच के साथ इस समस्या पर ध्यान दे ताकि दिल्ली में पानी की समस्या से निपटा जा सके। जब एलजी साहब वजीराबाद बॉन्ड में गए उससे कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली की सभी मीडिया के अपने मित्रों को लेके वजीराबाद बॉन्ड गया था। मैंने उनको दिखाया कि जितना पानी हरियाणा से यमुना के नाम पे आ रहा है वो हमारी सैटेलाइट की फोटोग्राफ से दिख रहा है, गूगल मैप से साफ देखा जा रहा है कि यमुना से आने वाला पानी जो है बांध बना के रुका हुआ है, छोटे छोटे बंड बना के जो रेती के तस्कर हैं उन्होंने वो रोक रखा है। जितना भी पानी आज वजीराबाद में हम देख रहे हैं वो सारा का सारा पानीपत सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो रसायन है, वो इतना ज़्यादा उसमें अमोनिया है कि उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, उससे हमारा प्लांट भी खराब हो रहा है। ये बात मैंने सबको बताई, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरा एलजी साहब से निवेदन रहेगा कि जिस दिन वो चाहें उनके हिसाब से मैं उनके साथ जो है हरियाणा जाने के लिए तैयार हूँ, वो चलें मुझे बहुत खुशी होगी और हम हरियाणा के अंदर ऐसी हजारों ट्रक दिन दहाड़े में उनको दिखाऊंगा जिनसे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, गूगल मैप से देख सकते हैं। अगर हम वहाँ जाएं और हरियाणा सरकार को भी वहाँ पे बुला लें तो इससे दिल्ली का जो है ये मसला जो है वो हल हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अब रुक कर लेते दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का। बलराम, हर बार ये देखा जाता है कि किसी ना किसी मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो है तकरार बढ़ती चली जाती है। अब देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जो यहाँ पर एलजी ने एक तरफ निरीक्षण किया, उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल उठाया, तो वहीं अब जो है सौरभ भारद्वाज ने पत्र का जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से तालाब की सफाई नहीं हुई, जिस तालाब में जो पानी की क्षमता है वो करीब 250 मिलियन गैलन थी, आज वो घटकर 16 मिलियन गैलन हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो तालाब से गाद निकालनी थी वो काम नहीं हुआ। साथ ही जो पानी है वो इतना गंदा है कि उसकी वजह से जो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर जो पाइपलाइनें हैं उसमें जंग लग रही है, वहाँ गंदगी का अंबार है, तो ऐसे में जल्द से जल्द जल पर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो दिल्ली की जनता को जल संकट से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि इस पत्र का जवाब देते हुए जो दिल्ली सरकार के जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि हम एलजी से पहले ही मीडिया को लेकर के वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जा चुके हैं और मीडिया को हमने दिखाया कि किस तरीके से यमुना में जो पानी आ रहा है वो दरअसल सोनीपत और पानीपत की कंपनियों का जो वेस्टेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसको अगर हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट में लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो जंग है वो लगता है और इससे जो मशीनें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, क्योंकि इस पानी में कहीं ना कहीं जो रसायन की मात्रा है वो बेहद ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो खनन माफिया हैं वो बेहद सक्रिय हैं और वो छोटे छोटे बांध बना करके यमुना के पानी को रोक करके वहाँ से रेत का खनन कर रहे हैं और भारी तादाद में रेत का खनन हो रहा है। उन्होंने एलजी साहब से कहा कि वो सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ हरियाणा चले, हम उनको आमंत्रित करते हैं
जब उनके पास वक्त हो तब चले और हम उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर जो खनन माफिया हैं वो सक्रिय है और किस तरीके से यमुना के पानी को उन्होंने रोक रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो संकट गर्मी के दिनों में मई और जून में देखने को दिल्ली में मिलता है वो संकट 23 फरवरी से देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि एलजी साहब हमें वक्त बताएं, जब कहें हम चलने के लिए तैयार हैं और हरियाणा सरकार को भी बुलाएं कि आखिरकार देखिए किस तरीके से यमुना के पानी को रोका जा रहा है और किस तरीके से दिल्ली में जो जल संकट है वो गहराता जा रहा है। तो लिहाजा एक सकारात्मक सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है और जो खनन माफिया हैं उनकी साफ तस्वीरें चाहे वो गूगल हो चाहे सैटेलाइट के जरिए हो वो देखने को मिल रही हैं और तस्वीरें कहा जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यही वजह है कि एलजी साहब अगर चाहे तो हम उनके साथ हरियाणा चलने के लिए तैयार हैं और उनको दिखाने के लिए भी तैयार हैं कि हरियाणा में किस तरीके से खनन माफिया सक्रिय हैं और किस तरीके से यमुना के अंदर वो छोटे छोटे बांध बना करके भारी तादाद में वो रेत का खनन कर रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली में जो यमुना का पानी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, लिहाजा इस पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि एलजी साहब ने जब पत्र लिखा था तो जो हरियाणा पर आरोप लगाए गए थे, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए थे, उन आरोपों का उन्होंने खंडन किया था। लेकिन एक बार फिर से जो दिल्ली के जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा में जो खनन माफिया सक्रिय हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम एलजी साहब को आमंत्रित करते हैं कि चलें, हम उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से हजारों ट्रक लगा करके जो खनन माफिया हैं वो रेत का खनन कर रहे हैं और जिसकी वजह से दिल्ली में जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है और जो पानी आ रहा है वो सोनीपत और पानीपत के कंपनियों का वेस्टेज है और उसकी वजह से जो मशीनें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। तो कई गंभीर सवाल सौरभ भारद्वाज ने भी उठाए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में एक बार फिर पानी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि अब सच्चाई क्या है ये तो कहना बेहद मुश्किल है लेकिन आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव एलजी के पास भेजा है और कहा है कि हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यमुना के अंदर खनन हो रहा है और किस तरीके से हरियाणा में जो रेत माफिया है वो सक्रिय है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रस्ताव पर एलजी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बिल्कुल बलराम, ये तो देखना ही होगा। लेकिन देखिए दोनों ही समस्याएं बता रहे हैं, एक समस्या बता रहे हैं तो दूसरा ये कह रहा है कि मैंने तो पहले ही समस्या बता दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता का क्या होगा, क्या उन्हें इस बार भी गर्मी में पानी के संकट से जूझना पड़ेगा या पानी उन्हें जो मिलेगा वो गंदा पानी मिलेगा, जनता तो यही सवाल पूछ रही है। देखिए जैसे ही गर्मी आती है दिल्ली में जल संकट बढ़ जाता है और दिल्ली में जो जल आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं कम रहती है और यही वजह है जो टैंकर माफिया हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी आने से पहले ही एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि हरियाणा से जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, जो खनन माफिया है वो सक्रिय हो गए हैं, उन्हें रोकने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक वो नहीं रुकेंगे तब तक यमुना में पूरी तरह से पानी दिल्ली को नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने एलजी से गुहार लगाई और एलजी जब वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में गए थे उससे पहले ही सौरभ भारद्वाज वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने उस ट्रीटमेंट प्लांट को दिखाते हुए कहा कि देखिए कि किस तरीके से यमुना में जो पानी है कितना गंदा है, इसमें इतना ज़्यादा रसायन है कि इस पानी को अगर हम शुद्ध करने की कोशिश करें तो भी ये पानी शुद्ध नहीं होगा पीने लायक। और लिहाजा जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो खनन माफिया हैं वो सक्रिय हैं, वो पानी बार बार रोक रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, तो कई आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर जल संकट से दो चार होती हुई दिल्ली की जनता देखी जा रही है। और यही वजह है कि अभी से ही जल संकट को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या जल संकट से निपटने के लिए काम भी होगा या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकाला जाए।